How to make wings? अच्छा, ऐसे बनाना विंग्स। कहाँ गया ये वीर? अच्छा, तो यहाँ छुपा बैठा है। अभी दिखाता हूँ इसे। तुमने मेरे पापा की कार को ट्रक से क्यों बांधा, बताओ? अरे देख क्या रहे हो, वीर को बचाओ। लेकिन ऐसा जादू मत करना कि लोगों को शक हो जाए कि तुम यहाँ हो। अच्छू। कौन है? कौन शोर कर रहा है? क्या हो रहा? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं करा, मैं नहीं करा। मेरी कमर अपने आप भटक रही है। महापुरुष, क्लासेस तो खत्म हो गई। पंख बनाने का तरीका मिला कि नहीं? उड़ने वाले पंख बनाना इम्पॉसिबल है। जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करे उसे वीर कहते हैं। अरे मैं तो कहता हूँ जिंटू को बुलाओ, वही हमारी मदद कर सकता है। ये तुमने पुकारा और हम चले आए, काम क्या है ये तो बताए। हमें उड़ने वाले पंख चाहिए अभी। आपका हुक्म सराखों पे। ये लो बॉस, उड़ने वाले पंख। ये तो असली पंख है। वाओ। चलो उड़ के देखते हैं। चुलबुल भक्षी तो जरूर है। चुलबुल भक्षी क्या होता है? ये लोग मुझे खाएंगे? नहीं। हेलो अल्फा चार्ली डेल्टा, लैंड करने की कोशिश करते रहो। जब तक ड्यूल है तब तक कोशिश करो, नहीं तो फिर दिल्ली एयरपोर्ट में ही इमरजेंसी लैंडिंग करना। यहाँ नहीं, इस एयरपोर्ट में कोई फैसिलिटी नहीं है। ओके, ओवर एंड आउट। हेलो अल्फा चार्ली डेल्टा, पैसेंजर को नीचे कैसे उतारा? कौन से टेक्निक से? मुबारक हो, मुबारक हो। जिंटू ये क्या कर रहे हो? वापस भेजो सबको, वरना लोगों को कैसे समझाओगे कि जिंटू नाम का जिन मेरे साथ है? मैं पैसेंजर से बात करता हूँ। सब लोग वापस आ गए। पापा ऐसा लगा था जैसे हम रनवे पे हो। लगा तो था, लेकिन ये कैसे हो सकता है? जरूर हमारा वहम होगा। फिर कभी ऐसा जादू मत करना, लोगों को ऐसे नहीं बचाना है। प्लेन का पहिया अटक गया है, उसे बाहर निकाल के प्लेन लैंड करा के लोगों को बचाना है। एक पहिए से इतना असर हो रहा है, मैं एक क्या अनेक पहिए लगा देता हूँ, अब तो लैंड हो ही जाएगा।
हेलो अल्फा चार्ली डेल्टा, इतने पहिए कहाँ से लाए? अब तक तो एक भी पहिया नहीं खुल रहा था। हेलो हेलो, झिंटू ये क्या कर रहे हो? पहिए निकालो जल्दी। अभी लो। जिंटू से कभी मदद नहीं लेनी चाहिए थी, ये कुछ ना कुछ उल्टा जरूर करता है। अब क्या करूं बॉस? कुछ नहीं, अब जो करना है मैं करूंगा। हाँ। अब तो तुम बस देखते जाओ। तुम जिंटू को भूल जाओ, देखो मैं कैसे बंदरों को डरा डरा के भगाता हूँ। जो नहीं भागेगा उसे दो लात मारूंगा। वीर वीर इन्हें उतारो, वीर 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 इन्हें उतारो, वीर खराब कर दी। वाह वीर, तुम्हारे बात से अभी मेरे दिमाग की बत्ती जली। चोर को पकड़ना तो बहुत आसान है। कैसे? मैंने सुना है कि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, बस हमें ये चेक करना है कि यहाँ किसके दाढ़ी में तिनका है। जिसकी दाढ़ी में तिनका वही चोर। और अगर चोर की दाढ़ी नहीं हुई तो? तो तब तक इंतजार करेंगे जब तक चोर की दाढ़ी नहीं आ जाती। लेकिन हमारे पास इंतजार करने के लिए टाइम कहाँ है? और जब टाइम कम हो तो वो काम करना चाहिए जो चुटकी बजाते ही हो जाए। बुलाओ जिंटू को, चुटकी बजाते ही आ जाएगा और एक सेकंड में चुटकी बजाते ही पकड़ लेगा चोर को। मैं हूँ जिन। निकलो यहाँ से। कहो वीर, ऐसा कौन सा मुश्किल काम है जिसके लिए तुमने मुझे याद किया? जिंटू, हमारे स्कूल में कोई चोर आ गया है जो स्टूडेंट्स और टीचर्स की सामान की चोरी कर रहा है। जाकर पता लगा कि वो चोर कौन है और जो भी चोर है उसे बोरी में बंद करके मेरे सामने लेकर आओ। इतना सिंपल सा काम? मुझे लगा कोई बड़ा काम होगा जो तुमसे नहीं हो रहा है। खैर, मैं अभी चोर को पकड़ कर लाता हूँ बॉस। ये लो। अरे ये क्या है? ये क्या किया तुमने? इतने सारे चोर कहाँ से आ गए? हमें तो सिर्फ एक ही चोर चाहिए था। तो इनमें से ढूंढ लो कौन सा चोर तुम्हें चाहिए। मैं तो उन सब लोगों को पकड़ लाया जिन्होंने भी अपनी सारी जिंदगी में कभी ना कभी चोरी की है। उफ, तुम भी न
ना जिंटू, खुद को सुपर दिखाने के चक्कर में कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा स्मार्ट हो जाते हो। भेजो इन सबको, वापस भेजो। और तुम रहने दो, मैं खुद ही ढूंढ लूंगा चोर को। हाँ? 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 मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? ये क्या? मैं कहाँ हूँ? कहाँ फंस गया मैं? जंगल में किसी शिकारी के जाल में तो नहीं फंस गया हूँ? मुझे मैं सांस क्यों नहीं ले पा रहा हूँ? मुझे बचाओ, बचाओ मुझे! अब इस बोरी में कौन है? खोलो इसे। तुम बोरी में क्या कर रहे हो? इसका मतलब तुमने भी कभी ना कभी चोरी की है। हाँ। वो सॉरी, मैंने एक दो बार दूसरों के खेतों से चुरा कर एक दो गाजर खाई थी, कभी तो खाई थी। हाँ सॉरी वीर, रियली सॉरी, अब कभी नहीं करूँगा पक्का। ओके, कभी भी चोरी मत करना, चोरी करना बुरी बात है, फिर चाहे वो एक पैसे की चोरी हो या एक गाजर की। जब बंटी के दिमाग की घंटी बजती है ना, तो ऐसे ऐसे इंटेलिजेंट आइडियाज आते हैं कि पूछो ही मत। तो पूछ कौन रहा है भाई?